फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी यानी लॉन्ग टाइम के बाद अभी आज आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, बिकॉज अभी अपनी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन चले हुए हैं। काफ़ी क्या बताएं आपको, अभी हम क्या क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उस करके अभी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मार्च मंथ है और अभी मैं फील्ड का यानी अपने खेतों का आपको वॉकिंग टूर कराऊंगा और यहाँ के अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा, बिकॉज इस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह होते हैं और अमेजिंग व्यू होते हैं खेतों में। तो मॉर्निंग के इवनिंग के मैं दोनों आपको अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा और बाकी जो भी बात है वो मैं आपसे लास्ट में करूँगा। मैं क्यों नहीं अभी कर पा रहा हूँ, क्या लाइफ में चला, क्या हो रहा है अभी और कब तक मैं आपसे फिर अभी, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, तो अभी यानी एक बहाने से ही आपसे मिल पा रहा हूँ। और मेन मोटिव मेरा यही था बताने का कि बाकी मैं आपको वो बता ही दूंगा। और ये अपने साथ है अनाया, हेलो करो। हेलो गाइस, कहाँ आए हो आप? मैं कोल्ले। और क्या कर रहे हो कोल्ले में? मैं घूम रही हूँ। घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? कोल्ले खेतों में। खेतों में घूम रही हूँ। बोले नहीं आना सर जिनको खेतों में बोलो फार्म हाउस। हाँ जी, अच्छा मामू क्या बोलते हैं, मामू के ब्लॉग देखती है ना? हेलो गाइस, मेरा नाम है अनाया और यहाँ पे है काओ बफेलो बैल और यहाँ पे गोट भी है और मैं देख रही हूँ और मैं घूम रही हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी इसको एंजॉय करा देते और आप सबको भी फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे।
सो फ्रेंड्स, अभी आप जो यहाँ पे सामने देख रहे हो तो ये है इलायची के पौधे, जो कि जापानीज इलायची है और यहाँ पे लगाई हुई है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से लगाई हुई है ये, हम देख सकते हो। तो इलायची यहाँ नीचे यानी अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ही तैयार होती है, तो अभी काफ़ी साल लगते हैं इसको तैयार होने में। तो यानी काफ़ी कुछ होता है खेतों में, यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। बाकी अभी आपको लेके चलता हूँ आगे मैं अपने खेतों में, क्या क्या सब्जी वगैरह अभी तैयार है यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा। अभी हम खेत में आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे सब्जी वगैरह लगाई, और अभी मैं हूँ मनोज भाई के खेत में, और धनिया शाम के लिए हम कर रहे हैं अभी खाने में डालने के लिए। और इस साइड पे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे वो लगा लहसुन, और ये है मेथी, इस साइड को ये मेथी, और ये पालक लगा हुआ है, और यहाँ पे धनिया आगे भी मेथी है और मूलियाँ भी है। वो अभी मैं आपको अपने जहाँ पे हमने भी लगाए हुए, मैंने भी वो मूली वगैरह पालक ये अभी वहाँ भी आपको लेकर चलता हूँ पहले यहाँ से। यहाँ धनिया काफ़ी अच्छा है इसके खेत में, तो धनिया ले लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और यहाँ भी एक लगी हुई है। आया क्या कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप? मैं साग निकाल रही हूँ। साग? हाँ दिखा आपने, ये साग है? हाँ साग है। ये तो सौंफ है। हाँ सौंफ है। अरे इसके साग के निकल रहा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो बना लेगी ना फिर? हाँ बना लूंगी। खिलाएगी ना मेरे को? इतने दूर कैसे आऊंगी? कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा, तू बना लेना ना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, पता कितने बजे? फ्रेंड्स, अभी ये मूलियाँ हमने तोड़ ली हैं और अभी मैं अपने खेतों में आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये धनिया लगा हुआ है, मूलियाँ लगी हैं, साइड क्यों लगे हैं, ये पीले पीले सरसों के फूल हैं, आगे पालक है, उसके आगे मेथी लगी हुई है, और उस साइड को मटर लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो जो भी, बिकॉज अगर आपने मेरा देखा होगा तो फ्लड में ये सारी यानी टोटली डिस्ट्रॉय चुका था, तो काफ़ी यानी रेत वगैरह इधर उधर करके, पत्थर वगैरह करके, तो दोबारा से ये खेत बनाए हैं। उसके बाद तो हम काफ़ी लेट हो गए थे सब्जी वगैरह लगाने को, तो करके इतनी ज़्यादा सब्जी नहीं लगा पाए थे इस बार। तो चलो अभी मूली ही ले चलते हैं फिलहाल, और धनिया तो हम ले ही आए हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अनाया क्या है ये? कहाँ लेके जा रहे हो? बकरियों के पास। अच्छा चलो, तो चलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने खेतों का टूर करा दिया, यहाँ के अमेजिंग व्यू भी दिखा दिए, बिकॉज अभी बसंत ऋतु चल रही है मार्च में, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह और पेड़ों में भी नए नए पत्ते और फ्लावर वगैरह इस टाइम निकलते हैं इस सीज़न में, और अमेजिंग व्यू होते हैं इस टाइम। एंड बाकी मैं आपको बता दूँ तो यार, अभी आने वाले अभी कुछ टाइम तक, यानी कुछ दिन भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, तब तक अभी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा। कुछ रीज़न है, हर किसी की लाइफ में होते हैं, चाहे वो स्ट्रगलर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे जॉब का पर्सन हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर किसी की लाइफ में अप डाउन चले रहते हैं। तो कुछ ऐसे अभी अपनी लाइफ में भी चले हुए हैं थोड़े, यानी पहले भी थे, अभी अगेन फिर है ऐसी कुछ सिचुएशन। तो और बाकी यार, जो भी अपने भाई लोग न्यू यूट्यूबर है जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, तो मैं उनको बता दूँगा कभी
हार नहीं माननी अगर देखो व्यू नहीं जा रहे, क्योंकि होता है यार जो ऑडियंस को पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं व्यू। कई वीडियो में ब्लॉग में काफ़ी अच्छे व्यू चल जाते हैं, कई में बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, ठीक है होता है ऐसा। बट क्या है कि हार नहीं माननी, चाहे साल लगे, महीने लगे, दो साल लगे, बट यार आप अपना और वही करना जो आपके अंदर टैलेंट है। ये नहीं है यार कि वो पैसे बना रहा है, इतने व्यूज आ रहे हैं, करते हैं, मेरे को भी ऐसा बोलते हैं सभी कि यार उनके साथ मिलो, उनके साथ मिलकर ब्लॉग वगैरह बनाओ, आपके यानी ग्रोथ मिलेगी। बट नहीं यार, जो आपके अंदर टैलेंट आप उसके भी हाथ पे करो, ठीक है, इसके अलावा नहीं आपने कुछ भी करना है, ठीक है। और बाकी क्योंकि यार अपना तो ये मोटिव होता है, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही बनाता हूँ, ब्लॉग ही बनाता हूँ, और जो भी अगर ज़्यादा नहीं चलो जितने भी जा रहे, पर चार या पांच बंदों को भी अगर मेरे उस ब्लॉग से हेल्प मिल रही है और उनको जो उनके माइंड में क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन मिल रहा है, उनका आंसर मिल रहा है और वो सेफली जा रहे हैं, सेफली आ रहे हैं, तो अपने वो ब्लॉग बनाने का मोटिव कंप्लीट है। वो व्यूज़ के ऊपर नहीं है कि हाँ यार 1000 चल गए, 2000 चल गए, लाखों चल गए, वो नहीं है, उस मोटिव से नहीं बनाता मैं, क्योंकि मैं बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव मोटिव से। तो अभी वो ही है, अभी मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ और कुछ टाइम तक अभी जा भी नहीं पाऊँगा, तो फिर जब भी अब, पर ये है कि प्रे करना भी कि जो सोचा है वो हो जाए, तो फिर जल्दी आपसे मिलूँगा और इतनी अच्छी यानी ब्लॉग के साथ मिलूँगा आप सबसे कि आप खुद ही समझ आओगे बाकी। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही, दुआ करना जल्दी मिले आपसे न्यू ब्लॉग्स और न्यू लोकेशन के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, एंड मिलेंगे फिर जल्दी आपसे।